सब्सक्राइब करें ए टू जेड चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस वो है जिस समय कार्य समाप्त होने की स्थिति स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार, अगर किसी भी कार्य को हम प्रेजेंट वर्तमान समय में पूर्ण कर रहे हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के तीन, मोस्टली प्रेजेंट टेंस के सॉरी चार पार्ट हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर हमको एक एक करके समझे तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट, अगर मैं इंडेफिनाइट को लेता हूँ तो जैसे इसमें एग्जांपल में ले, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। कंटिन्यूस को लेता हूँ तो मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। परफेक्ट में मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। और परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम देखें तो उसमें आ जाएगा मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। बेसिकली आज जो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। अब इंडेफिनाइट टेंस में जैसे आप कुछ एग्जांपल्स को लेके हम जैसे समझेंगे, इसमें क्या होता है कि इंडेफिनाइट का जो फॉर्म होता है उसमें हम लेकर चलते हैं जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस ई और ई एस भी लगता है, और ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्म है इसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है। अब अगर जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का ही एक सेंटेंस का एक एग्जांपल है। वह लिखता है, ही राइड्स, सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उपरोक्त सभी वाक्य इंडेफिनाइट टेंस के हैं। अब इनडेफिनाइट टेंस के वाक्यों का प्रयोग निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ, शी गोस, वह जाती है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स को अगर हम लें तो जैसे ये है, इसमें अगर हम लेते हैं जैसे सिंगुलर नंबर का अर्थ है एक वचन, अर्थात जो एक से अधिक है, जो प्लूरल नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन का अर्थ है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर का अर्थ है जो एक वचन, जो एक से अधिक नहीं है, और थर्ड पर्सन का अर्थ है जो हम जिसके बारे में बात करते हैं, आई वी यू, ओके। तो ये हो गया ये। अब पर्सन्स में 3 प्रकार के पर्सन्स आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं वो आई, वी, मैं, वह, और सेकंड पर्सन में आते हैं यू, तुम, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, वह, दे, वो। अब नंबर्स की अगर हम बात करें, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर्स, तो अगर हम सिंगुलर नंबर में आई की बात करते हैं तो प्लूरल में वो वी बन जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम यू को लेते हैं तो यू ही रहता है। ये देखिए सबसे बड़ा अंतर है, सिंगुलर और प्लूरल में यू का यू ही रहेगा और शी और ही का दे बन जाते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, ये बहुत से क्वेश्चंस इसके भी आते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन होता है तो वर्ब के साथ
एस और ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इसमें आई आई जो सब जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और अब हम इसे अगर हम थर्ड पर्सन में लेते हैं तो अगर थर्ड पर्सन में तो थर्ड पर्सन में देखिए ही गोज़ हो जाता है, आई का ही, ठीक है। थर्ड पर्सन यहाँ से देखिए आई का ही और गो का ई एस लगाना है तो गोज़। ऐसे ही दे दे तो दे का जो होगा ये तो खुद ही थर्ड पर्सन में है, ठीक है। दे फैचेस तो उसमें जैसे दे लगा रखा है, अगर हमें मान लीजिए उसको ई एस के साथ कन्वर्ट करना है तो इसमें आ जाएगा शी फैचेस। आई किस और शी किसेस, तो जब जब आप देख रहे हैं कि शी फैचेस तो शी में ई एस लग जा रहा है, दे में आपने देखा होगा कि सी एच लगा हुआ है, ठीक है। अन्य सभी वर्ब के साथ केवल एस लगता है, जैसे मान लीजिए अन है, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन में आपने देख रहे होंगे और सब में प्ले प्ले का प्लेस, तो ये कब होता है तो आप सोच रहे होंगे ये सब कब होता है। यहाँ कुछ क्लॉज है, यदि वर्ब के अंत में अक्षर एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और इसमें पूर्व का अक्षर कॉन्सोनेंट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के अंतिम अक्षर वाई को बदल दिया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास जब वाई, यहाँ पे देखिए आप जो क्रिया है फ्लाई, इसमें वाई है, जैसे इसमें आपने देखा गर्ल क्राई, गर्ल्स क्राई, तो क्राई एक क्रिया है, वाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर नाम के साथ अगर हम लेते हैं सिंगुलर नंबर लेते हैं तो उसमें आई ई एस लग जाता है, जैसे सुमन तो सुमन के साथ आई ई एस लग जाएगा, ही फ्लाई काइट्स तो उसके साथ आपके देखिए ई एस लग गया है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा।